पर्यावरण की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं लालचंद सोनी। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यावरण हम सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है और यह पेड़ पौधे अत्यधिक मात्रा में लोगों को लगाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार लगातार इस पर चिंता बनाए हुए और लोगों को जागरूक भी कर रही है और पेड़ पौधे अत्यधिक मात्रा में लगाया भी जाता है। और अब जो हमारे देश के लोग काफ़ी जो है हमारे देश में पर्यावरण के लिए बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, जिसमें कि हम लोग पेड़ पौधे लगाने का कार्य कर रहे हैं। जितने भी हमारे सरकारी विभाग हैं उनसे बोला गया है कि वो आप लोग जो है पेड़ों को लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगाइए और उन पेड़ों की देखभाल भी करिए, जिससे कि हमारे पर्यावरण को हम लोग और अच्छा बना सकें। मगर हम देख रहे हैं कि सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि पर्यावरण के लिए जो पेड़ खरीदे जा रहे हैं उनमें भी कोई हिसाब किताब नहीं समझ में आ रहा है। जैसे कि सरकारी नर्सरी से जो पेड़ मिल रहे हैं सस्ते दरों पर, उनको लेने की बात करनी चाहिए। लोग सरकारी नर्सरी से ना लेकर उनको अन निजी एजेंसियों की नर्सरी या प्राइवेट नर्सरी से ले रहे हैं, जिनके की दाम बड़े ही ऊंचे दर पे हैं। जो एक पौधा 20-25 रुपए का है वो अन नर्सरियों में जो है 90-100 रुपए का है। कहने का मतलब है कि सरकारी नर्सरी का जो मूल है उससे 5 गुना हमारी बाहर की नर्सरी के मूल हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए विभाग के जो हेड हैं उनको सही डिसीजन लेना चाहिए और लेने की बात रखनी चाहिए, क्योंकि नियम ये कहता है कि अगर सरकारी एजेंसी में चीज़ उपलब्ध है, अगर सरकारी नर्सरी में पेड़ उपलब्ध हैं तो उनको पहले लिया जाए, और अगर नहीं उपलब्ध हैं तो उसको अनुपलब्धता दिखाते हुए, मतलब अनअवेलेबिलिटी दिखाते हुए अन्य जगह से पेड़ लेने के लिए या अन्य सामान लेने के लिए हमको जो है टेंडर या अन्य तरह के जो आपके जो कोटेशन होते हैं उनको मंगाना चाहिए, और जो लो कॉस्ट का कोटेशन या टेंडर हो उसको लेकर पेड़ पौधे खरीदने चाहिए। अन्य प्रदूषण बचाने के लिए सामान लेने चाहिए, पर्यावरण को बचाने के लिए जो अन्य चीज़ें हैं वो लेनी चाहिए। तो देखा जा रहा है कि हमारे देश में इस तरह के कार्य हो रहे हैं कि सरकारी नर्सरी में या सरकारी एजेंसियों में पर्यावरण बचाने के जो सामान हैं वो उपलब्ध हैं, फिर भी उनको वहाँ से ना लेकर ऊंचे दरों से अन जगह लिया जा रहा है। ये सब चीज़ें जो हैं देश को एक अच्छा संदेश नहीं दे रही हैं, और देशवासियों को भी ये संदेश सुनकर समझकर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमारी आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि जो हमारे नियम हैं उन पर आप अमल करें, और सबसे पहले जो हमारी सरकारी नर्सरी एजेंसियां हैं उनसे सामान लें, अगर वहाँ उपलब्ध नहीं है तो अन्य जगह से लें, मगर उनके जो नियम हैं उनको पूरी तरह से पालन करते हुए लें। अगर आप इस तरह से पालन करके नहीं लेंगे और कोई ऑडिट या कोई शिकायत आती है और उसमें इस तरह की चीज़ें नज़र में आती हैं तो ये चीज़ें जो हैं एक दूसरे रूप में देखी जाएंगी और उस पर आपको कोई भी नियम के अनुसार कार्रवाई हो सकती है, जो कि वास्तव में एक दूसरे रूप में संदेश देगी जनता को, नागरिकों को। तो हमें उस सब चीज़ों से दूर रखने की रहने की बात करनी चाहिए। हमें जो है अगर इस तरह की बातें समझ के कार्य करेंगे तो एक ईमानदारी, एक सच्चे विकास के भारत की बात हम सोच के करेंगे, और वास्तव में वही जो है हमें देश को आगे ले जाने के लिए संदेश देता है। इसीलिए हाथ जोड़ के हमारी सबसे विनती और निवेदन है कि हम सब लोगों को इस तरह के भ्रष्टाचार में नहीं लिप्त होना चाहिए। हमको एक बिल्कुल साफ सुथरे कार्य में कार्य करना चाहिए, और उसी में संतोष है और उसी में मज़ा है और उसी में आनंद है। अन्य चीज़ों के माध्यम से अगर आप लेते हैं और कोई भी शिकवा शिकायत या गलती पकड़ी जाती है तो उससे आपके पैसे की भी कटौती होगी और आपको उस पर कोई कार्रवाई भी हो सकती है। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, चाहे वो किसी भी तरह का कार्य करते हों,
पहले आप सरकारी नियमों के अनुसार कार्य करें और उसके अनुसार ही अपने बजट को या कोटेशन को लें और उसी पर डिसीजन लें और उसी के हिसाब से इस पर्यावरण में जो आप पेड़ पौधे खाद या अन्य चीज़ें ले रहे हैं उसको लें। वैसे तो भारतवर्ष के जो अन्य विभाग हैं उनमें भी यही जो है प्रक्रिया होती है और करनी भी चाहिए, फिर भी देखा जाता है कि कहीं ना कहीं हम लोग इससे डेविएट हो जाते हैं और उसको फिर जो है कई उत्तरों से कई बातों से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं जो वास्तव में एक सही दिशा का निर्देश नहीं पाने से होता है। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग देश के विकास और हित के लिए कार्य करें, चाहे वो किसी स्तर के हों, हम चाहे किसी पद पर हों, हमें अपने नियम को कानूनों को पालन करने में हरदम सजग और सतर्क रहना चाहिए। ये हमारा सबसे पहला देश के प्रति कर्तव्य और देशभक्ति की बात होती है और है। राजेश गुप्ता, ACCF, नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।